हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एडम्स राइडर मंत्रा। ये कर्नाटक बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपको मोटर मिलती है वो 1000 वाट की मोटर मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो है मोटर लगी रहती है, ये 1000 वाट की मोटर है। इसका जो पीक पावर आउटपुट है वो 2000 वाट का है और इसका जो रेंज है वो अराउंड 85 to 90 किलोमीटर्स तक का मिलता है। वैसे जो कंपनी क्लेम करती है वो 110 किलोमीटर्स तक का रेंज मिलता है। टायर्स की बात करें तो इसमें आपको 90/100 सेक्शन के टायर मिल जाएंगे आगे और पीछे की तरफ, और ये 10 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होते हैं। तो टायर जो है इसमें सीएट के यूज़ किए गए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको स्प्रिंग टाइप डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। ये है इसका फ्रंट का डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 60 वोल्ट 36 एम्पेयर आर की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। तो ये नॉन डिटैचेबल बैटरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो बैटरी है नीचे की तरफ से यहाँ से आ रही है, एक बॉक्स टाइप का आप देख सकते हैं वहाँ पर है इसकी बैटरी, और ये सीट के अंदर से जाती है बट इसको पूरा केसिंग इसका जो है पूरा पैक कर रखा है तो इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको नॉन डिटैचेबल बैटरी मिलती है और इस बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है अराउंड 4 to 8 आवर्स का है। 3 ईयर्स की इसमें आपको बैटरी वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। ये है इसकी लाइट, ये चल रही है। अभी थोड़ा धूप का टाइम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी आपको इसमें LED लाइट देखने के लिए मिल जाती है। तो नाइट के टाइम पर भी ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगा। और ये है इसके इंडिकेटर्स। बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो की है इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। एंटी थेफ्ट का फीचर मिलता है, कीलेस एंट्री है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दबाएंगे तो इससे लॉक हो जाता है, ओपन करना चाहते हैं तो इससे ओपन हो जाएगा, और इसी बटन को आप बार बार दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे तो अराउंड आपका ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ फ़ीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सीट की बात करें तो सीट का कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप थोड़ी बहुत लंबी राइड में भी जाएंगे, 30-40 किलोमीटर भी जाएंगे तो आप आराम से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैठ के जा सकते हैं। और यहाँ पे आप इसके एक और एक दो फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको USB चार्जिंग मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें आप फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ोन आई गेस इसको रख सकते हैं, फ़ोन को भी चार्ज करते टाइम पर। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है आपको एक सॉकेट टाइप का दिख जाता है, तो आप घर पे इसको 5 एम्पेयर के सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बैटरी परसेंटेज मिल जाता है और ये रिवर्स का है, तो रिवर्स में जैसे ही आप दबाएंगे तो आप इसको आसानी से पीछे कर सकते हैं। तो रिवर्स दबा के आपको एक्सेलेरेटर देंगे तो आप ये गाड़ी पीछे होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए चलाते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका जो सिटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी सही है। अगर आप इसमें थोड़ी लंबी राइड 40-50 किलोमीटर भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये है 85 to 90 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। वैसे जो कंपनी बोलती है वो 110 किलोमीटर तक की रेंज बोलती है, लेकिन आपको 85 to 90 मिल जाएगी। और इसमें जो स्पीड जाती है वो 50 किलोमीटर पर आवर की जाती है। वैसे ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। और सिंस ये लो स्पीड है तो इसकी वजह से आपको ना तो लाइसेंस ना ही हेलमेट और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टेड हैं तो आप एडम्स इस कंपनी का जो लिंक है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला मोड है इसमें आपको 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है। इसके बाद जो मैं सेकंड मोड में डाल दूंगा इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया है सेकंड मोड। अब इसमें जो है स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड 35-37 तो 37-38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको सेकंड मोड में देखने के लिए मिल जाती है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा जो मैं बोलूँगा ये स्कूटर जो है छोटी हाइट के लोगों के लिए ज़्यादा सही है, जिनकी हाइट 5'1" 5'2" है उनके लिए काफ़ी सही है। इसका जो सिटिंग कम्फर्ट आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फुटबोर्ड स्पेस है, तो चलाने में काफ़ी कम्फर्टेबल है। और हैंडलिंग है जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है इस स्कूटर की। इसके बाद मैं इसका जो मोड है इसको चेंज कर देता हूँ, थर्ड मोड में आ गया, तो इसकी जो स्पीड है आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से जाती है ये स्पीड। और जो बैटरी का परसेंटेज एकदम कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि एकदम फ्लक्चुएट कर रहा है,
और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने थ्रॉटल को पूरा ओपन कर दिया था, उसके बाद भी जो है इसका जो बैटरी है एकदम कांस्टेंट है। और स्पीड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये चले जा चुकी है, तो इससे ऊपर आप देखेंगे जा नहीं रही है। तो ये इसकी टॉप स्पीड है अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की, इसमें आपको टॉप स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तो ब्रेकिंग जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो सस्पेंशन है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 99,500 रुपीज़ ऑन रोड पुणे है, तो प्राइस के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सही है। तो ये सब एडम्स मंत्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक राइड रिव्यू था। तो मेरे दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।